दोस्तों वर्ल्ड कप 2019 का 34वां मैच वेस्टइंडीज और इंडियन टीम के बीच खेला जाना है, जो कि 27 जून को मैनचेस्टर के मैदान पे खेला जाएगा। ऐसे में दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इंडिया और वेस्टइंडीज इन दोनों ही टीम्स के प्लेइंग 11 के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसी हो सकती है इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11। तो प्लीज दोस्तों आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इस मैच में इंडियन टीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इन दोनों ही टीम्स के प्लेइंग 11 के बारे में जानने के लिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं वेस्टइंडीज के प्लेइंग 11 के बारे में। और वेस्टइंडीज टीम की तरफ से ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं क्रिस गेल और इविन लुइस, ये दो खिलाड़ी वेस्टइंडीज टीम के ओपनर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनके मिडल ऑर्डर के बारे में। और मिडल ऑर्डर में नंबर 3 पे शाई होप, नंबर 4 पे निकोलस वुरन और नंबर 5 पे सिमरन हेटमेयर आपको दिखाई देने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों अब बारी आती है वेस्टइंडीज टीम के ऑलराउंडरों की। और वेस्टइंडीज टीम के तरफ से एज ए ऑलराउंडर नंबर 6 पे जेसन होल्डर और नंबर 7 पे कार्लोस ब्रैथवेट आपको दिखाई देंगे। उसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लोग वेस्टइंडीज टीम के बॉलरों की। और वेस्टइंडीज टीम के तरफ से एज ए बॉलर नंबर 8 पे एस्लेनर्स, नंबर 9 पे ओशन थॉमस, नंबर 10 पे कीमर रॉच और नंबर 11 पे सेल्डन कॉटरेल आपको दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसी हो सकती है वेस्टइंडीज टीम की प्लेइंग 11। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आंद्रे रसल शायद आपको इस मैच में खेलते हुए ना दिखाई दे, क्योंकि दोस्तों उन्होंने पिछला मैच भी नहीं खेला था न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ, जैसा कि हमने पिछले मैच में देखा था। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लोग इंडियन टीम के प्लेइंग 11 के बारे में। अगर हम लोग इंडियन टीम के ओपनरों के बारे में बात करें तो दोस्तों ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे रोहित शर्मा और केएल राहुल, ये दो खिलाड़ी इंडियन टीम के ओपनिंग बैट्समैन की भूमिका निभाने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग मिडल ऑर्डर के बारे में। और मिडल ऑर्डर में नंबर 3 पे विराट कोहली, नंबर 4 पे विजय शंकर या फिर ऋषभ पंत और नंबर 5 पे एमएस धोनी आपको दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं हम लोग इंडियन टीम के लो ऑर्डर की। और लो ऑर्डर में नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या और नंबर 7 पे केदार जाधव आपको दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब बारी आती है इंडियन टीम के बॉलरों की। और इंडियन टीम के तरफ से एज ए बॉलर नंबर 8 पे कुलदीप यादव, नंबर 9 पे मोहम्मद शमी, नंबर 10 पे यूजी चहल और नंबर 11 पे जसप्रीत बुमराह आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि पिछले मैच में मोहम्मद शमी ने हैट्रिक ली थी, जो कि काफी अच्छी खबर है इंडियन टीम के बॉलिंग डिपार्टमेंट के लिए वेस्टइंडीज टीम के खिलाफ। तो गाइस ये होने वाली है इंडिया और वेस्टइंडीज इन दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11। आपके हिसाब से दोस्तों इन दोनों ही टीम को किस खिलाड़ी को अपनी टीम में मौका देना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि इंडिया और वेस्टइंडीज टीम के बीच कौन सी टीम सबसे ज्यादा छक्के लगाते हुए दिखाई दे सकती है कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।